हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया, इसके लिए तो आज मैं बताऊंगी। जैसे ही जून जुलाई का महीना शुरू होता है तो कौन कौन से पौधे हमें नर्सरी से खरीदने चाहिए जो हमारे लिए अच्छे भी रहें और 12 महीने फूल भी दें। हम बारिश शुरू होते ही अपने घरों में लगाते हैं क्योंकि पहले के सभी पौधे गर्मी में ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए ऐसे पौधे जो कम रेट के भी हों और फूल भी हमें देते रहें और 12 महीने भी रहें, वही सब पौधे हम खरीदना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा रहता है। ये बिगोनिया का पौधा है और ये बहुत ही अच्छा प्लांट रहता है और हमें 12 महीने फूल भी देता है। तो ये वाला पौधा आप ज़रूर खरीद के लाइएगा और ये एकदम कम रेट में मिलता है। हमारी नर्सरी में ये पौधा 40 रुपये में मिलता है और ये पौधा हमेशा सेमी शेड में रखते हैं और इसे धूप में पूरा नहीं रखते हैं, तब जाकर ये हमें फूल अच्छे से देता है। और बारिश शुरू होते ही ये गेंदा का पौधा है, गेंदा बहुत ही अच्छा खिलता है और पूजा के भी काम आता है, तो इसे भी आप जून जुलाई के महीने में बारिश वाला गेंदा ज़रूर ले आएंगे और ये बहुत ही कम रेट का रहता है, ओनली 20 रुपये में ये मिलता है हमारे यहाँ। ये लिली का प्लांट है दोस्तों, और लिली भी हमेशा रहता है 12 महीने और ये पौधा भी अच्छा रहता है। आप इस पौधे से एक पौधे से बहुत सारे पौधे भी बना सकते हो और ये भी आपको 40 रुपये में और बड़ा पौधा 50 रुपये में मिल जाएगा, तो इसे भी लाइए। और इसे मेंटेनेंस भी नहीं लगता और ना ज़्यादा खाद दवाई इसमें डलता है। और ये वाला आपका देसी गुड़हल का पौधा है और ये फूल भी 12 महीने देता है और बहुत ही अच्छा रहता है। हाइब्रिड वाले गुड़हल में तो हम खाद डालते हैं तभी खिलता है, लेकिन इसमें बिना खाद के भी आपको फूल देता रहेगा और ये 12 महीने फूल देता रहता है। और ये आपको छोटा पौधा 30 रुपये का और बड़ा पौधा 50 रुपये का मिल जाएगा, तो इसे भी आप ज़रूर खरीदें। और ये मिर्ची जासवन का पौधा है और ये बहुत ही अच्छा रहता है और ये गुच्छे में फूल खिलता है, ये सिंगल सिंगल नहीं खिलता, ये गुच्छे में फूल खिलता है और इसे कस्टमर बहुत ही ज़्यादा लेकर जाते हैं। मिर्ची जासवन अगर आप एक गमले में लगा देते हो तो ये डेली का 50 फूल तो देता ही देता है और ये 50 रुपये में आपको मिल जाता है। ये आप नर्सरी से ज़रूर खरीदें। और जून जुलाई के महीने में ये मिनी एक जोरा का प्लांट लोग बहुत ही ज़्यादा खरीदते हैं और ये भर भर कर फूल देता है और ये गुच्छे में फूल देता है और इसमें बहुत सारे कलर भी मिल जाते हैं, तो आप जौन सा भी कलर चाहते हो वो कलर आप नर्सरी से खरीद सकते हो ओनली 50 रुपीज़ में। अगर इसका छोटा पौधा लेंगे तो आपको 30 रुपये में भी मिल जाएगा। और ये हाइब्रिड बोगनवेलिया का प्लांट है, ये दोस्तों गुच्छे में खिलता है और इसमें का जो देसी वाला रहता है वो बिखरा बिखरा सा फूल खिलता है, लेकिन ये हाइब्रिड वाला जो रहता है ये बहुत ही अच्छा रहता है और ये ज़्यादा बड़ा हाइट का भी नहीं होगा, आप कटिंग करके छोटा ही रख सकते हो और गुच्छे में इसे खिला सकते हो। ये एकदम बेस्ट पौधा है, हाइब्रिड वाला लोग ज़्यादा ले जाते हैं और इसका कलर भी एकदम चटक आता है और देसी वाले का एकदम फीका फीका कलर रहता है, लेकिन इसका एकदम चटक कलर रहता है। और जून जुलाई में लोग गुलाब का भी बहुत सारे लेकर जाते हैं और ये हाइब्रिड गुलाब है और बहुत ही अच्छा खिलता है, तो इसे बारिश के मौसम में लगाना बहुत ही सही रहता है। तो जब भी आप बारिश चालू हो तो आप ये गुलाब का पौधा ज़रूर लगाइए और ये 30 रुपये से लेकर 60 रुपये या 70 रुपये तक का मिल जाता है क्वालिटी के हिसाब से, तो ये आप नर्सरी से ज़रूर खरीद सकते हो।
ये 40 रुपए का पौधा मिल जाएगा आपको हमारी नर्सरी में, तो ये भी आप ज़रूर लेकर आइए। और ये वाला ट्यूलिप लिली का पौधा है, ये ट्यूलिप लिली बारिश में बहुत ही अच्छा खिलता है और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस है और ये 30 रुपए का मिल जाएगा नर्सरी में, तो ये भी आप खरीद सकते हो, चाहे इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ये सारे पौधे आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, चाहे आप नर्सरी से खरीद सकते हो। आप हमारी नर्सरी में आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, हमारी नर्सरी रायपुर में है, देव नर्सरी हमारी नर्सरी का नाम है। पौधा लगाने के लिए सबसे ज़रूरी रहता है दोस्तों मिट्टी, कि उसका मिट्टी कैसा होना चाहिए। उसका मिट्टी एकदम काला होना चाहिए और उसमें जो ज़रूरी मटेरियल है वो सब इसमें हमें डालना पड़ता है। जैसे इसमें आप गांव से मिट्टी ले सकते हो और उसमें ये भूसा मिला सकते हो। भूसा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, भूसा मिट्टी में मिलाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है पौधे को, क्योंकि ये पौधे को आसानी से बढ़ने में मदद करता है और कभी भी मिट्टी आपस में चिपकता नहीं है। और उसके लिए ये है गोबर खाद, गोबर खाद इसमें मिला लेंगे, ये तीनों चीज़ मिला लेंगे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको कुछ फ़ायदा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।